बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाय डियर्स, कैसे हैं आप सब? आज फिर कुछ नए क्वेश्चन लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड परसेंटाइल, के परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या फ़र्क होता है। परसेंटेज तो बहुत सिंपल है कि आपको 100 की 100 में से आपकी कंट्रीब्यूशन बताता है। लेट सपोज अगर आपने 80 मार्क्स लिए हैं तो आपको बताता है कि 100 में से आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी है, 80 है, ठीक है। जबकि परसेंटाइल चूंकि एक पोजिशनल एवरेज है, तो परसेंटाइल आपको ये बताता है कि आप 80 मार्क्स लेने के साथ साथ किस पोजीशन पे जो है विराजमान है। आपको आपकी एग्जैक्ट स्पेसिफिक पोजीशन भी बता देता है। मार्क्स तो बताता ही बताता है, लेकिन आपको फिर अपनी क्लास में आपकी स्पेसिफिक पोजीशन बताता है कि अगर आपने इतने मार्क्स लिए हैं तो ग्रेड वाइज, ऑर्डर वाइज आप अपनी क्लास में किस नंबर पर आ रहे हैं, ठीक है। तो परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन बताता है, जबकि परसेंटाइल जो है वो आपको आपकी एग्जैक्ट स्पेसिफिक पोजीशन भी जो है बता देता है। इनफैक्ट हकीकत में व्हाट इज द एजेंडा ऑफ पी वैल्यू, ये पी वैल्यू है क्या, ये पी वैल्यू हमको क्या शो करता है। तो इसके लिए मैंने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर दिया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैं समराइज करना चाहूंगा कि पी वैल्यू का मकसद क्या होता है। तो इसकी आसान सी जो डिस्क्रिप्शन वही है कि इट टेल्स दैट द पैटर्न ऑफ डेटा इन द सैंपल कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय रैंडम डेटा, कि आपके जो सैंपल में जो डेटा है, ठीक है, ये जो पैटर्न नजर आ रहा है इसको हम रैंडम डेटा से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप डेटा रैंडम लेते हैं तो आपको इसी तरह का पैटर्न जो है वो मिल सकता है, ये पी वैल्यू का जो है वो कहना होता है, ठीक है। मेजोक्रेटिक डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू विच डिस्ट्रीब्यूशन, तो चूंकि आप जानते हैं कि मेजोक्रेटिक डिस्ट्रीब्यूशन हम कब कहते हैं, जब हमारे पास बीटा 2 3 के बराबर आ जाता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ कर्टासिस जब आपके पास 3 आ जाता है, तो एग्जैक्टली जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप बनती है वो एग्जैक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो हम कह सकते हैं कि मेसोक्रेटिक डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड आर्ट, दिस इज वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि साइंस और आर्ट में क्या फर्क है। तो बड़ी आसान सी डिफिनीशन है, आप अपनी तरफ से बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको मैं कुछ अच्छे लफ्ज क्रिएट करके दे दूं कि एनीथिंग दैट कैन बी एग्जामिन्ड, टेस्टेड एंड वेरीफाइड इज कॉल्ड साइंस। जिसको हम एग्जामिन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और उसको फिर वेरीफाई कर सकते हैं, उसको हम साइंस कहते हैं। वाइल आर्ट इज अ टेक्टिक्स विच इज एक्वायर्ड बाई एक्सपीरियंस और स्टडी, ठीक है। डबल सैंपलिंग रेफर्स टू विच सैंपलिंग टेक्निक्स, तो याद रखिएगा कि डबल सैंपलिंग टेक्निक्स रेफर्स टू द मल्टी स्टेज सैंपलिंग, क्योंकि मल्टी स्टेज सैंपलिंग में हम 2 टाइम सैंपलिंग करते हैं। हमारे पास हर स्टेज पर जो सैंपल होता है वो डिफरेंट होता है, यानी फर्स्ट स्टेज पे हमारे पास जो सैंपल आते हैं हम उससे इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो नया से जाता है उसमें फिर सैंपल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मल्टी स्टेज में जो सैंपलिंग होती है वो 2 टाइम्स होती है, इसलिए उसको हम डबल सैंपलिंग के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डिविएशन एंड स्टैंडर्ड एरर, दिस इज वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यू हैव टू कीप आउटस्टैंडिंग टाइप ऑफ वर्ड्स टू रिस्पॉन्स दिस क्वेश्चन, कि जब आप पॉपुलेशन की वैल्यूज में डिस्पर्शन देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली वहां पे हम स्टैंडर्ड डिविएशन का इस्तेमाल करते हैं। आप अगर पॉपुलेशन से सैंपल भी लेते हैं और अगर उस सैंपल में अगर आप वेरिएशन देखना चाहते हैं तो उस वहां पर भी हम डेफिनेटली स्टैंडर्ड डिविएशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप सैंपलिंग करते हैं, क्या करते हैं, लेट सपोज एक पॉपुलेशन से मैंने 10 सैंपल्स लिए हैं, तो सैंपल टू सैंपल तो वेरिएशन आएगी ना, सैंपल टू सैंपल में भी आपके पास अप्स एंड डाउन होते हैं। तो जब आप डिफरेंट सैंपल्स के इन बिटवीन अगर आपने वेरिएशन देखनी है तो उसके लिए फिर आपने स्टैंडर्ड एरर इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड एरर शोज द एवरेज अमाउंट ऑफ सैंपलिंग एरर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोपोर्शन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन कमीशन लेवल। के प्रोबेबिलिटी तो बड़ी आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं, अगर आपके पास डेटा जो है वो हाइपोथेटिकल है, फर्जी डेटा है, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं यार हो सकता है इतने मेहमान आ जाए, हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में इतनी मेल हो इतनी फीमेल हो, तो अगर आपके पास डेटा हाइपोथेटिकल है तो उसके लिए फिर आप प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपका डेटा ऑब्जर्व्ड है, करंट डेटा है, रीसेंट डेटा है, सही है, तो उसके लिए फिर हमने क्या करना है, उसके लिए हमने प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड एक्सपेक्टेशन, तो दोनों एवरेज देते हैं आपको, दोनों औसत देते हैं, लेकिन अगर आपके पास वेरिएबल ऑब्जर्व्ड है,
ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया है, तो उसको अगर आप एवरेज करना चाहते हैं तो फिर वहां पे आप अरिथमेटिक मीन इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपके पास जो वेरिएबल है वो रैंडम वेरिएबल है, वो चांस वेरिएबल है, तो चूंकि रैंडम वेरिएबल को तो हम डेफिनेटली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसको तो हमने एक्सपेक्ट ही करना है ना, इसलिए एक्सपेक्ट करना है कि अरिथमेटिक मीन में आपके पास ऑब्जर्व वेरिएबल्स में आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, जबकि रैंडम वेरिएबल चांस वेरिएबल में फ्रीक्वेंसी की बजाय आपके पास प्रोबेबिलिटीज होती हैं। जो प्रोबेबिलिटीज होंगी तो हम डेफिनेटली उसको एक्सपेक्ट ही करेंगे ना, तो हम ये कह सकते हैं कि द अरिथमेटिक मीन या द एवरेज ऑफ रैंडम वेरिएबल या चांस वेरिएबल इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन। इसको हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी कहते हैं, और एक्सपेक्टेशन की ये भी डिफिनेशन है, द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल वर्सेज प्रेडिक्शन इंटरवल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कॉन्फिडेंस इंटरवल और प्रिडिक्शन इंटरवल में क्या फर्क होता है। तो बड़ी आसान सी इसकी डेफिनेशंस है कि अगर आप किसी पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए इंटरवल एस्टिमेट कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसको हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कहेंगे। जिस तरह अगर हम लेट सपोज पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू के लिए अगर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना चाहते हैं, लेट सपोज हम सिग्मा स्क्वायर के लिए बनाना चाहते हैं, तो उसको फिर हम पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए अगर आपने इंटरवल एस्टिमेट किया और उस इंटरवल एस्टिमेट के साथ आपने अपनी एक कॉन्फिडेंस की डिग्री अटैच की, तो फिर उसको हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कहेंगे। लेकिन अगर आप रैंडम वेरिएबल की एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना चाह रहे हैं, तो उसको फिर हम प्रिडिक्शन इंटरवल के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम रिग्रेशन में जब वाई नॉट के लिए, हम एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए जब हम इंटरवल बनाते हैं, तो उसको फिर आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं कहना, बल्कि उसको आपने प्रिडिक्शन इंटरवल कहना है, क्योंकि वो तो एक स्पेसिफिक वैल्यू है, वो तो पैरामीटर नहीं है। ठीक है, सेकेंडरी डेटा इज कलेक्टेड थ्रू विच रिसोर्सेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे स्टूडेंट्स को कम अज कम, जो स्टेटिस्टिक्स का स्टूडेंट्स है उसको कम अज कम अपनी फिंगर टिप्स पे ये पता होना चाहिए कि हम सेकेंडरी डेटा किस किस जराए से, किस किस रिसोर्सेज जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। जब उनसे हम पूछते हैं तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो बींग स्टेटिस्टिशियंस यू हैव टू मग अप, यू हैव टू, आपको रटा लगाना चाहिए कि आपने सेकेंडरी डेटा कहाँ से लेना है। तो हम IMF वालों से ले सकते हैं, जिसको हम इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड्स कहते हैं, आप ILO से ले सकते हैं, जिसको हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, आप यूनेस्को वालों से ले सकते हैं, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ले सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड से आप ले सकते हैं सेकेंडरी डेटा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ले सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से आप डेटा ले सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको सेकेंडरी डेटा न्यूज़पेपर से भी मिलता है। ठीक है, तो ये आपने कम अज कम अपनी फिंगर टिप्स पे आपने ये कुछ 3 या 4 जो है रिसोर्सेज आपने याद रखने हैं। तो डियर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो पसंद आए होंगे, काफ़ी हद तक क्लियरिटी हुई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।